जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। कहते हैं छात्र हमारे देश का भविष्य होते हैं, आगे चलकर यही लोग देश को चलाएंगे, लेकिन इन्हीं छात्रों का भविष्य आज अंधकार में है। अंधकार कोरोना महामारी का, अंधकार बद इंतजामी का और अंधकार हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने वाली सरकारों का। देश जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर जबरदस्त गुस्से में है। कई तरह के हंगामे हो रहे हैं, कोई जेई की परीक्षा के पक्ष में है तो कोई इसके खिलाफ है। जेई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है और नीट की परीक्षा 13 सितंबर के बीच कराई जानी है, जबकि देश में कोरोना ने जबरदस्त कहर बरपा रखा है। इस साल बहुत सारे छात्र इस परीक्षा को इसमें शामिल होने वाले हैं, इस परीक्षा को देने वाले हैं, इसलिए हम इस पूरे जेई और नीट के विवाद को समझने के लिए हमने कुछ छात्रों को अपने इस पैनल डिस्कशन में इनवाइट किया है, ताकि वही लोग बता सकें कि इस परीक्षा को लेकर वो किस असमंजस की स्थिति में है, पूरा विवाद क्या है। आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कोटा राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा जिसको अब माना जाता है कोचिंग के लिए, इस तरह की परीक्षाओं के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं तान्या सिंह आपसे शुरू करूंगा। तान्या, आप कोटा में प्रिपरेशन करते थे जेईई नीट की और अभी आप कोरोना की वजह से आप कानपुर में हैं, तो अभी आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है परीक्षा के बारे में? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? सर, बस ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, यहाँ से कानपुर से कोटा जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी नीट हो या ना हो, हम प्रिपरेशन करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो। बट ये कानपुर से कोटा जाना, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आप चाहती हैं कि परीक्षा हो या फिर आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया कम से कम मुहैया कराया जाए? यस सर, बिकॉज ट्रेन भी अभी बंद चल रही है, एटलीस्ट कुछ तो अरेंज हो। तो क्या आप खुद के कन्वेंस से कोटा जा सकती हैं? कोटा से कानपुर की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर होगी सर। तो मैं जाने को तो जा सकती हूँ सर, बट मेरे पापा की फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहती है। एंड मेरे जो ड्राइवर अंकल है, उनका कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वो छुट्टी पे हैं, तो वो तो आए नहीं है नेक्स्ट डे से। सो ये प्रॉब्लम है एंड कोई जाने के लिए रेडी नहीं है कोरोना की वजह से। जी, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात तान्या ने हमें बताई है कि वो अपने जो उनका एग्जाम सेंटर है उससे 400 किलोमीटर दूर हैं और उनके ड्राइवर ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हैं और वो कैसे वहां तक जाएंगी, ना कोई ट्रेन चल रही है, ना इस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। अब हम आशीष आपके पास आएंगे। आशीष जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और इट हैपेंस ओनली इन कोटा एक फेसबुक पेज है, उसके क्रिएटिव हेड है, ये एक तरह की स्टूडेंट कम्युनिटी है। आशीष, आपका इस पूरे विवाद को लेके जेईई और नीट पर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया पैनल डिस्कशन में। जेईई और नीट की परीक्षा ऐसा तो है नहीं सर कि पहली बार होने वाला है या फिर पहली बार स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो भी छात्र हैं उन्होंने 2 साल अपना पूरा इन्वेस्ट किया है इसमें और 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के पोस्टपोनमेंट से एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उससे बच्चे एग्जाम देना नहीं चाहते, एग्जाम का डर है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि 20-25 दिन में वो 2 साल की मेहनत इक्वली उतना इंक्रीज नहीं हो जाएगा उनका। तो ओवरऑल ये एक जेन्युइन कंसर्न है हेल्थ को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। अगर आप बिहार की बात करें, असम की बात करें, तो वहाँ फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं और बहुत सारे एरिया जो हैं वो सबमर्ज्ड हैं। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, फिर भी बिहार में आप 1 से 6 सितंबर तक जेईई मेन की परीक्षा करा रहे हैं। झारखंड के अंदर 30 सितंबर तक, आज का ही न्यूज है कि 30 सितंबर तक उन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड किया है, स्पेसिफिकली सिर्फ एग्जाम वाले डेज पे वो बसेस को परमिट दे रहे हैं। ओडिशा में लॉकडाउन एक्सटेंडेड है, बट वहाँ पे एग्जाम वाले डेज पे आपको स्पेशल एक अरेंजमेंट करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो ये एक चीज हमें समझनी होगी या स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमें डेली उनके कंसर्न्स थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें किस तरह के प्रॉब्लम्स है और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो पहला जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो समझना होगा वो है अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी। जब भी आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं या जब भी आप एक बहुत बड़े एग्जाम के लिए जाते हैं, अपने कैरियर डिसाइडिंग एग्जाम के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका मेंटल जो बैलेंस है उसका क्लियर होना।
लेकिन एक ऐसा माहौल जहां हम इतने अनसर्टेन हैं, इतने इनसिक्योर हैं कि हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी, हमारे जाने से सिर्फ हमारा नहीं हमारे फैमिली का हेल्थ भी स्टेक पे आएगा. तो ये सारी चीजें कंबाइन अप होकर सबसे पहले तो बच्चों के लिए एक मेंटल प्रेशर का रीजन बन रही है. दूसरा ये कि जो सेंटर्स हैं, आप मिनिमम डिस्टेंस भी अगर निकालें, अगर किसी को आसपास के शहरों में भी सेंटर मिला हुआ है तो 150 to 200 किलोमीटर एंड एवरीवन डज नॉट हैव अ पर्सनल व्हीकल. तो ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए कि वो पर्सनल व्हीकल अरेंज करें और वो जा सकें उसको यूज करते हुए. और भी बहुत सारे रीजंस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लड्स. तो ओवरऑल एक जो अभी का सिचुएशन है वो एग्जाम के लिए कैसे कैसे भी किसी भी लेवल पे जाके अगर आप देखें तो कंडक्टिव नहीं है. और अगर हम 20-25 दिन पोस्टपोन कर देते हैं, हम अगर वेट करते हैं कि थोड़ा सिचुएशन बेटर हो जाए, 76,000-77,000 केसेस पर डे अगर आ रहे हैं और वैसे में हम एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल है साइटिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इनटू द एग्जाम. ये एक बड़ी चिंता का विषय है. अभी मैं अभी लाइव आपको covid19india.org की साइट पे देख के बता रहा हूँ कि अभी तक भारत में 21,14,140 केसेस जो हैं वो कंफर्म हुए हैं और 42,821 लोगों की मौत हुई है और लगातार 75,000, 60,000 और 80,000 केसेस आ रहे हैं. और फिलहाल भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा केस एक दिन में सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां जो है उस तरह की सुधरने का नाम नहीं ले रही है. और बड़ा सवाल ये भी है कि समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, बल्कि कुछ लोग दो दो साल तैयारी करते हैं. आप लोग कोटा में हैं, घर छोड़ के वहां पे कोचिंग करते हैं, फीस भरते हैं. तो एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक साल बर्बाद हो जाए, उनका एकेडमिक ईयर जो है एक साल वो बर्बाद हो जाए. तो एनटीए कह रहा है कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, सारी चीजें मुकम्मल कर लिए हैं, आपको कोविड से बचाने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और हम आपका साल बर्बाद नहीं होना चाहते. तो इस पर आपका क्या राय है? क्या आपका आपका साल इतना अहम हो गया है और आपको क्या लग रहा है कि आप अपने साल को बचाने के लिए, एकेडमिक ईयर के लिए ये जोखिम उठाने की स्थिति में है? सर, अगर आप मेरे अलावा किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि एक साल या फिर एक जिंदगी, मतलब तुम्हारी जिंदगी है या एक साल, कोई भी बच्चा एक साल चूज नहीं करेगा. दूसरी बात सर, कई ऐसे डायरेक्टर्स आईआईटी या एम्स के भी बोला है कि अगर एग्जाम एक महीना या दो महीना शिफ्ट हो जाए तब भी कोई एकेडमिक कैलेंडर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. और दूसरी बात सर, कि एनटीए जो बार बार कह रहा है कि हमने पूरी तैयारी की है, एसओपी जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, सर अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्स देखें जैसे यूपी बीएड या फिर कॉमडेक के, मेरे दोस्त ने कॉमडेक का एग्जाम दिया था, उसने बोला कि उसके एग्जामिनेशन हॉल में इन्विलेटर ने मास्क तक नहीं पहना था. तो सर ये बस दावे हैं और सरकार बार बार ऐसे बड़े दावे करके क्या साबित करना चाह रही है? आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए ना कि हाँ इस जगह पे इतने अच्छे से एग्जाम हुआ. सर हमारे पास आप अभी भी सोशल मीडिया तलाश ले या फिर न्यूज रिपोर्ट्स भी देख ले तो एग्जाम के बाद कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद कई जगहों पर एसओपी का प्रॉपर पालन नहीं हुआ, एसओपी के रूल्स का. तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे चलते मेरे घर वाले भी अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जी जी, सही बात है. और हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कोविड का इलाज होना है वहां पे ही इतनी बद इंतजामी है कि लोगों को कई लोग तो बद इंतजामी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं. तो वो एक संकट जरूर लोगों के दिमाग में, और खासकर जो छात्र हैं जिनको अभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना है वो इस स्थिति में निश्चित तौर पर परेशान है. अश्वनी, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ पे हैं अभी इस वक्त, कहाँ पे हैं और कहाँ आपका कोचिंग सेंटर है और आपको आपके कोचिंग सेंटर तक जाने में कितना कितना दूर है, क्या समस्या आ रही है? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर. सर मैं बिहार में हूँ फिलहाल. बिहार में एक गांव है मशरक, मैं वहां पे हूँ. और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मेरा जो पूरा एरिया है वो फ्लड से अफेक्टेड है, पूरा का पूरा एरिया. लाइक यहाँ पे नावें चल रही हैं हर जगह, गाड़ियां चलने के लिए रोड नहीं है. इतनी ज्यादा पानी है कि सर पता नहीं चल रहा है कि रोड कहाँ पे है और उसके बाद गड्ढा कहाँ पे. सब एकदम बिल्कुल समतल हो चुका है पानी के चलते. और एनटीए ने मेरा सेंटर रांची में दे दिया है जी. मैंने एनटीए को डे वन से, जिस दिन उन्होंने सिटी अलॉट किया है उस दिन से टिल डेट, उनको ऑलमोस्ट 40+ मेल्स कर चुके हैं. मैंने अभी तक एक भी मेल का रिप्लाई नहीं आया है मेरे पास, ना मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन आया है कि सेंटर चेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता है. तो सर इस केस में जहां मुझे पता ही नहीं है कि रोड कहाँ पे है और कहाँ नहीं है, मैं रांची नहीं जा सकता हूँ.
रांची जाना प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि सर बिहार में ही और झारखंड में भी ड्यू टू फ्लड काफी सारे रोड्स टूटे हुए हैं, काफी सारे स्टेट हाईवे टूटे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से कैसे भी करके, क्योंकि सर एक्चुअली मेरे पास मेरा प्राइवेट व्हीकल नहीं है, मेरे फादर बाइक से जाते हैं, बाइक से अपना काम करते हैं। अब सर बाइक से रांची जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, अगर किसी गाड़ी वाले से भी बात करेंगे वो तैयार भी होता है तो सर ही विल चार्ज अराउंड 50,000। और सर इतनी ज्यादा कैपिटल इस टाइम पे नहीं है हमारे पास कि हम 50,000 दे के रांची जाएं एंड रांची जाके एग्जाम दें। इवन इफ वी डू दैट, अगर हम वो भी कर लेते हैं तो देर इज नो गारंटी कि रांची में मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि सर एज समीर टोल्ड SOPs कितनी फॉलो हो रही है प्रैक्टिकली ये हम सबको देख रहा है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि SOP फॉलो हो रही है तो कोई भी एक एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम वो हमें दिखा दे जहां पे उसकी SOP फॉलो हुई है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। इनफैक्ट सर अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम JEE और NEET में SOP फॉलो करा लेंगे तो JEE में एक तरीके से करा भी सकती है सर, क्योंकि JEE 6 दिन में होगा, उसमें बच्चों की एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होगी, पर NEET में 1 दिन में बच्चों की काफी ज्यादा भीड़ होगी। तो वहां पे कोविड के एक्सपोज के चांसेस बहुत ज्यादा है सर। जी, NTA का कहना है कि उन्होंने जो है अपनी सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी है और छात्रों का जो वहां पे जमावड़ा होगा उसमें उन्होंने कम ही कर दिया ताकि कम छात्र जाएं और ज्यादा सेंटर्स हो जाएं। लेकिन बड़ी बात एक दूसरी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनको तो कोरोना के लक्षण भी नहीं है, या हम देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना का जो एक फेज है उसमें असिम्प्टोमेटिक बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको खांसी है, बुखार है, गला खराब है या फिर इस तरह के लक्षण हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम आपका तापमान जांच करेंगे, हम आपको मास्क देंगे, हम आपको दूर बिठाएंगे और हम आपकी जांच करेंगे कि आपको कोरोना तो नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि आप 15 दिन में, पिछले दिन में कहाँ पे आप थे, किससे संपर्क में आए थे। तो ऐसी स्थिति में कितना ये एक बड़ा संकट बन जाता है जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। सर एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मुझे नहीं पता है मेरे बगल में, मेरे सामने या मेरे पीछे या मेरा इन्विजिलेटर जो भी है वो एसिम्प्टोमेटिक है या नहीं है। दूसरी बात सर जो ये कह रहे हैं कि हम आपको मास्क पहनाएंगे, सर आप खुद ग्लासेस यूज करते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ग्लासेस पे मास्क लगाने के बाद तुरंत फॉग जम जाता है। सर ऐसे में 3 घंटे मास्क लगा के एग्जाम देना बहुत अनइवन, बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत ज्यादा परेशानदायक, परेशानी वाला होता है, क्योंकि सर एक तो मैं अपने चश्मे को ठीक करूंगा या मैं अपने पेपर पे फोकस करूंगा या मैं इस टेंशन में रहूंगा कि मेरे पीछे मेरे आगे जो भी बैठा है वो कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं है। तो सर इस तरीके से मेरा एग्जाम पे तो ध्यान रहेगा ही नहीं, तो अगर मैं अपना बेस्ट देने जाऊंगा तो मैं अपना बेस्ट देके तो आऊंगा ही नहीं। जी जी, ऋतिक आप कहां से जुड़े हुए हैं और आपको क्या इसमें समस्या नजर आती है, आप अपने बारे में बताएं। राजस्थान में भी हूँ जी, और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। मैं सर अभी मेरा सेंटर जो है उज्जैन आया है, मेरा सेंटर तो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी तरह से बंद है सर, मैं ट्रेन सर्च किया, कल भी मैं ट्रेन सर्च किया, हमसे करता हूँ, देखता हूँ कोई भी ट्रेन जा नहीं रही है। मुझे डर है सर कि मैं जाऊँगा कैसे, सबसे बेस्ट पहला प्रॉब्लम ये है कि मैं जाऊँगा कैसे। दूसरा प्रॉब्लम सर कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मैं जैसे ही सवेरे उठता हूँ तो मुझे हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, तो अगर मैं पेपर देने जाता हूँ तो अकॉर्डिंग टू NTA वो लोग मुझे आइसोलेशन रूम में बैठाएंगे जी। वहाँ पे सर मेरे चांसेस ज्यादा है कि वहाँ पे अगर मैं बैठता हूँ तो मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कोई बैठा है क्या बैठा है, उससे मेरे चांसेस ज्यादा है सर कंटेमिनेशन का। और इस टाइम पे सर मुझे जाना शायद कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम सर कि मैं मास्क लगाता हूँ, मतलब ये ग्लास लगाता हूँ तो पूरा यहाँ पे फॉग जम जाता है, और मैं मतलब मास्क लगा के थोड़ी देर बैठता हूँ तो सर घुटन होने लगता है। आप समझ सकते हैं कि 3 घंटा पेपर में बैठना और उससे पहले 2 घंटा पेपर के बाहर बैठना, एग्जाम के बाहर बैठना, वो प्रैक्टिकली सर पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि सर ऑक्सीजन लेवल अगर ब्लड में कम होता है तो फिर नींद आएगा, तो फिर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। मेरी तैयारी है सर, अगर मैं इतने दिन से तैयारी किया हूँ, मैं 3 साल से तैयारी किया हूँ सर, तो मेरी तैयारी बेस्ट है, बट सर अभी इस टाइम पे मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा वहाँ पे जाने के बाद, जिसका मुझे हमेशा रहेगा कि हाँ मैंने क्या किया। मैं मतलब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है फिर एक रहेगा कि हाँ मैं क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। जी, जैसा आशीष ने भी बताया था शुरुआत में ही कि और अश्वनी ने भी ये बात बोली कि हमें किसी पेपर को देने के लिए मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, जब हम इस तरह के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को साबित करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम मानसिक तौर पर सही नहीं है तो वहां पे फेलियर के ज्यादा चांसेस हैं और फिर वो एक
गलत दिशा में हमको ले जाने के लिए जो है हमको भटका सकती है वो चीज। तान्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे पीरियड में एक अनसर्टेनिटी है, एक तनाव की स्थिति है, दबाव है आपके ऊपर, परीक्षा का भी है, अपने आप को बचाने का भी है और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का भी है। आप अभी एक छात्र हैं और आपके बहुत सारे सपने होंगे, तो क्या ये कश्मकश में आप कभी तनाव महसूस करती हैं? क्योंकि कई लोगों ने मुझसे बात की तो बताया कि वो डिप्रेशन में हैं और उनको बहुत इमोशनली विद दे आर फीलिंग वेरी लो, तो इस तरह की स्थिति क्या आपको फेस करनी पड़ रही है? या सर, एक्चुअली मैं ड्रॉपर हूँ, मैं लास्ट टाइम नीट दी थी तो इतना प्रेशर था, तो वही मैं सोचती हूँ कि इस बार नीट भी है और ऊपर से कोरोना चल रहा है, तो हाउ कैन मतलब हैंडल कैसे होगा ये सब सिचुएशन? हम एग्जाम में फोकस करेंगे या आसपास फोकस करेंगे कि भाई किससे बचना है, इनको कोरोना तो नहीं है या कुछ भी है, तो इट्स बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे होगा एग्जाम। जी जी, मैं बिल्कुल उस चीज को समझ पा रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग छात्र जीवन से निकले हैं। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एनटीए ने अभी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि अगर ये जीरो ईयर होता है, माने अगर हम इस साल परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दें और फिर अगले साल से हम परीक्षा का आयोजन करें, तो इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं और नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो जो है वो डबल हो जाएगा, जो पेपर देने वाले की स्थिति होगी वो डबल हो जाएगी, क्योंकि इस साल जो है जेई के लिए जो है 9,53,000 लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया था और नीट के लिए करीब करीब 16,00,000 लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया था, तो इतने ही लोग डबल अगले साल हो जाएंगे जो अभी स्टूडेंट्स निकल के आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एनटीए के जो बयान आ रहे हैं या हमारे एचआरडी अब एजुकेशन मिनिस्टर निशंक जी के जो बयान आ रहे हैं, मतलब मैं माफी चाहता हूं, मुझे कहते हुए अफसोस है कि उसका लॉजिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आपको कौन कह रहा है कि आप जीरो ईयर कीजिए, आपको कौन कह रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं और इस ईयर के जो बच्चे हैं उनका साथ में एग्जाम लीजिए? आप क्या बतौर गवर्नमेंट या बतौर मिनिस्टर्स या बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन ये अश्योर नहीं है? तभी आपके दिमाग में भी शायद ये अश्योरेंस नहीं है कि आप अगले साल मार्च अप्रैल तक भी कोरोना को कंटेन कर पाएंगे, तभी तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया होता कि आने वाले 1-2 महीने तक आप जो भी नॉर्म्स फॉलो करवा रहे हो या जो भी आपका कोरोना को लेकर के प्रिपरेशन है उससे कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, तो आप एग्जाम 1-2 मंथ के लिए डिले कर देते। आप नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस चीज को लेकर के अनसर्टेनिटी है कि अगले एकेडमिक ईयर तक भी हालात ऐसे ही रहने की उम्मीद है। दूसरा ये कि आपने अभी बताया कि एनटीए ने कहा कि सेंटर्स के जो नंबर है वो इंक्रीज किए गए हैं ताकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पर सेंटर कम हो जाएं। सर, एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर के बीच में या तो संवाद नहीं हो रहा है या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर अपने लाइव इंटरव्यू में कहते हैं कि पर सेंटर 100-150 स्टूडेंट्स हम रखेंगे, ठीक है। एनटीए आके कहता है कि हमने नीट के लिए अप्रोक्स 3800 सेंटर्स रखे हैं। अगर हम नीट के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और एनटीए के बताए टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स को डिवाइड कर दें तो ऑन एन एवरेज दिस इज अराउंड 415। तो सर, 100-150 और 415 के बीच 300 का फर्क होता है। ये डिफरेंस शायद वो समझ नहीं रहे हैं कि 300 बच्चे और 300 बच्चों के साथ अगर आप एक बच्चे को देखें तो एटलीस्ट एक पेरेंट एकम्पनी करता है, और इन सिचुएशंस में तो बिल्कुल ही एकम्पनी करेंगे चाहे उनका कोई भी गार्जियन हो। तो एक जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर के एनटीए कितना श्योर है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। और सर, आपने कहा कि एकेडमिक ईयर का लॉस, या फिर एनटीए ने कहा कि एकेडमिक ईयर का लॉस हो जाएगा, स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर लॉस नहीं करवाना चाहते, क्यों? आप किस तरह से एकेडमिक ईयर के लॉस की बात करें? अगर हम 2 महीने एग्जाम को पोस्टपोन कर दें तो आप लगा लीजिए कि दिसंबर के अराउंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो 3-4 महीने का जो स्टडी गैप है, क्या आप आने वाले 4-5 साल में उसको कवर नहीं कर सकते? मतलब आप 4 साल है आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री में, 5 साल है आपके पास MBBS डिग्री में, आप 5 साल के अंदर 3 महीने के सिलेबस जो छूट गया है उसको थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, एकेडमिक लॉस हो कहाँ रहा है? At the end, it is all about will. जी, सही बात। जैसे जिस तरह के हालात हैं उसमें देश की संसद बंद है, जबकि संसद में ये बातें, अगर इतना ही माहौल है
अच्छा है और आप अगर इतनी सिक्योरिटी के साथ अगर जा रहे हैं तो देश की संसद में इस तरह की कार्रवाई के लिए अभी आप सत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं, जबकि दुनिया भर में यूके के प्रधानमंत्री तो पॉजिटिव हो गए थे फिर भी उनकी संसद चलती रही, तो आप इतनी बुरी स्थिति में भी आप संसद नहीं चला रहे हैं, लेकिन छात्रों को आप कह रहे हैं कि आप आइए पेपर दीजिए। और सर इतनी व्यवस्था के बावजूद आप देखिए कि देश के गृह मंत्री को कोरोना हो जाता है जी। इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद कई राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और आप ऐसे में उम्मीद करते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट जो अपने दम पर अकेले निकलता है तमाम तरह की परेशानियों से जूझ के सेंटर तक पहुंचता है और उसके बाद परीक्षा में अपीयर होता है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसका क्या बेसिक है, इस थॉट प्रोसेस के लिए क्या आपके पास स्टैट्स हैं, क्या आंकड़े हैं, ये एनटीए को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा और चाहे वो जब भी बताएं। और सर एक और अहम पॉइंट मैं रखना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो, कि एनटीए ने कहा कि एसओपी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनका टेम्परेचर चेक होगा। टेम्परेचर चेक कर लिया आपने सेंटर के पास, आपने जो बच्चे जिनका टेम्परेचर हाई है उनको एक आइसोलेशन रूम में एग्जाम में बिठा दिया, ऑल राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो पहले से डिक्लेयर्ड है कोरोना पॉजिटिव, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो अपने रूम में अपने घर पे होम आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, सर हम इंक्लूसिव होना कब स्टार्ट करेंगे? एक जो लास्ट पर्सन होता है कतार में, जो आखिरी पंक्ति में जो आखिरी इंसान होता है, उसके लिए हम सोचना कब शुरू करेंगे? उस बच्चे का जो लॉस हो रहा है, उस बच्चे का जो एग्जाम छूट रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी सही बात है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पॉजिटिव हैं उनका आप क्या करेंगे, साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देश से बाहर भी अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। ये एक बार बार तर्क दिया जा रहा है कि कोरोना में डेथ रेट बहुत कम है, बहुत कम लोग मर रहे हैं, ये इतना फुलिश तर्क है, मतलब मुझे हंसी आती है कि किस तरह के देश में हम रह रहे हैं कि जिसमें 60,000 लोगों का मर जाना कहते हैं कि बहुत कम लोग मरे हैं क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। आशीष ये कहना कि डेथ रेट कम है और आप युवा हैं, आप कोरोना से संक्रमित होंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सबसे पहला सवाल क्यों होंगे, हम संक्रमित क्यों होंगे? आप आगे की बात बाद में करें कि ठीक हो जाएंगे या फिर डेथ रेट होगा नहीं होगा, हम संक्रमित क्यों होंगे? हमारे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू लाइफ ग्रांट करता है ना, आप हमारे राइट टू लाइफ को स्टेक पे कैसे डाल सकते हैं? अश्विनी अगर इस साल परीक्षा टल जाती है और आपको अगर अगले साल परीक्षा देनी होती है तो उस परीक्षा के दौरान जो आप ट्यूशन फी पे करते हैं, कोचिंग लेते हैं और तमाम अपना पैसा खर्च करते हैं उस तैयारी के लिए, क्या आप एक और साल के लिए उतना ही पैसा खर्च करने की है उसमें आप उस तरह से आपकी हालत है कि आप एक और साल इस पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, पैसा खर्च कर पाएंगे अगर परीक्षा टल जाती है? सर सबसे पहली बात तो जहां तक मैं जानता हूँ जरूरी नहीं है कि हम हर साल कोचिंग करें, क्योंकि सर देखिए इस साल मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा सिलेबस मुझे कम्प्लीटली पता है, मैं अगर उसी सिलेबस को एक साल और रिवाइज करता हूँ तो मुझे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। एज सच कोचिंग की जरूरत हमें तब होती है जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है या जब हम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा सिलेबस कम्प्लीटेड है। इन केस अगर किसी को कोचिंग की जरूरत भी है और अगर वो अफोर्ड करना अगर वो चाहता है कि वो कोचिंग करे तो सर 1-1.5 लाख रुपए जो भी कोचिंग की फीस है उसकी लाइफ से ज्यादा कीमती नहीं है मेरे ख्याल से, तो इन दैट केस वो कोचिंग को अफोर्ड करना उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है अगर उसको अपनी लाइफ बचाने का एक मौका मिल रहा है तो। आपने एक और बात बोली सर कि लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं पर बच जा रहे हैं। सर कोरोना से संक्रमित होके जो लोग बच रहे हैं, मेरे एक भैया हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है सर, उनको दिन के कम से कम 10-15 टैबलेट्स खाने पड़ते थे और हॉस्पिटल का माहौल काफी ज्यादा डिप्रेसिंग सा होता है कोरोना वार्ड्स का। दूसरी चीज सर अगर आप किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नहीं है तो व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, मतलब वहां पे आपको अटेंडेंट्स नहीं है अटेंड करने के लिए पेशेंट को। सर ये जो 14 दिन या जो कोरोना से जो ठीक होने का टाइम होता है उसमें बॉडी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी को काफी ज्यादा पेन सहना पड़ता है, तो सर वो सारा पेन और वो सारी चीजें वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, कोई नहीं चाहेगा। That's a traumatic experience. Right. कोई नहीं चाहेगा कि उसको एक लाइफ टाइम उतना बुरा एक्सपीरियंस मिले जस्ट बिकॉज ऑफ एन ईयर। तो जिंदा रहेंगे तो हम कुछ और भी करेंगे, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर।
ऋतिक, मैं अभी बस हम लोग रैप अप करने वाले हैं इसमें, मैं बस आप लोगों से ये आपकी ये राय जानना चाहता हूँ कि जो छात्र इस वक्त इस दुविधा में फंसे हुए हैं और लगातार इस तरह की बुरी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा ले रहे हैं, एक लड़की ने तो बल्कि अपने जीवन को ही उन्होंने खत्म कर दिया, आत्महत्या कर लिया, तो ऐसे छात्रों को आपकी क्या सलाह है? बतौर छात्र आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक कॉन्फिडेंट आदमी हैं कि आप सामने आके बात कर रहे हैं और आप पॉजिटिव तरीकों से सोच रहे होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय होगी? ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लेते हैं मुझे कोरोना हो भी जाता तो मैं मान लेते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, बट बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक ये होता है कि वो सोचते हैं कि देखिए हमारी एज कितनी होती है, 18 साल 19 साल, हमारी में उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम ज्यादा दूर तक सोच पाए, हमारा जो सोच होता है एक रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड पीरियड मतलब लिमिटेड टाइम तक लिमिटेड जगह तक ही होता है, वहां से दिक्कत ये होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मुझे होता है मेरे कारण किसी मेरे घर वाले को ना हो जाए, ये डर बना होता है, इसलिए बच्चे ऐसे कदम जनरली उठाते हैं। बच्चे को ये समझना होगा कि अगर हो भी जाता है तो एग्जाम देकर आइसोलेशन कर सकते हैं, बट सर वो समझना पड़ेगा उनको, लेकिन आइसोलेशन की व्यवस्था सबके घर में नहीं हो पाती है, ऐसे में हमारी सरकार को चाहिए कि वो कुछ इसका इंतजाम करे, सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के पेंडेमिक जो आई है वो हमारे कारण तो आई नहीं है, उसके कारण हम क्यों भुगते, हम क्यों एग्जाम देने जाए, सरकार को यहाँ पे एग्जाम की डेट को आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि 2-3 एग्जाम मैंने देखा है अभी जिसमें कि इतनी सारी भीड़ थी और उसके बाद कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, मेरे एक दोस्त यूपी बीट का एग्जाम देने गया था, कोरोना पॉजिटिव हो गया वो, उसके बाद उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको हमेशा मतलब वो ठीक हो चुका है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो ठीक हो चुका है, उसका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, बट फिर उसके चेस्ट में हमेशा बहुत ज्यादा पेन होता है, वो शायद उसका जिंदगी भर के लिए बन चुका है, तो फिर क्यों ऐसा लेना चाहेगा प्रॉब्लम जी, यहाँ पे ये हो रहा है सर। एक अहम बात आपने बताई है कि उस ट्रोमा को हम लोग क्यों झेलें, अगर हम उससे बच सकते हैं तो उसको क्यों झेला जाए। आशीष, एक आखिरी आपकी लास्ट कमेंट आई वुड लाइक टू टेक, सरकार से आखिरी बात आप क्या कहना चाहते हैं और जो आपके जैसे छात्र जो इस पूरी दुविधा में फंसे हुए हैं उनको आपकी क्या सलाह है? सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को जो भी अपियर होने वाले हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन केस जो कि अभी हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, डेली के आप देख लें पिछले एक महीने से लगातार ट्विटर के ऊपर और तमाम अन्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, साथ ही पॉलिटिकल फिगर्स भी इस चीज को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट इस चीज को सुन नहीं रही है, तो इन एनी प्रोबेबिलिटी अगर एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो ये हमें यानी हम स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देने जा रहे हैं हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें अपने पेरेंट्स की अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ताकि वो जितना सेफ रह सकें, हम जितना सेफली खुद को कम्यूट कर सकें इस पूरे प्रोसेस के दौरान, वो हमारे ऊपर है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सर प्लीज सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यूथ की नहीं सुन रहे हैं ना तो आप फिर वही एट द एंड जाके आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो प्रैक्टिकल दिखता नहीं है, क्योंकि आप सुनेंगे फिर किसको, आप जो आप कल के फ्यूचर को नहीं सुन रहे हैं, पर ये पहला मौका नहीं है सर, ये पहला मौका नहीं है कि एग्जाम को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, आप यूथ पे किस डिमांड को सुन रहे हैं, कुछ दिन पहले की बात है, 2 महीना पहले की बात है सर, जब कोटा के अंदर बच्चे स्ट्रैंडेड थे और वहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था तो उस समय तमाम सरकारों के लोग ये तर्क दे रहे थे कि वहां पे तो अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, ये मेंटालिटी निकालनी होगी, अभी भी वही मेंटालिटी है कि अमीर घरों के बच्चे अपने अपने गाड़ियों से एग्जाम देने चले जाएंगे, सर ऐसा नहीं है, इस देश का छात्र हर वर्ग से आता है, लोअर मिडिल क्लास अपर क्लास और एलाइट क्लास हर क्लास से आता है, आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा और प्लीज सर सुनना शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल सही बात है, हर किसी के घर में गाड़ी नहीं है, हर किसी के पास अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं है, और खासकर जो वंचित तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जाके अपना पेपर दे पाएं या फिर प्राइवेट व्हीकल से जाके 10,000 से 20,000 50,000 तक जैसा अश्विनी ने बताया लोग मांग रहे हैं वो पे कर पाएं, तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए। इस बार के 15 अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है लाल किले से भाषण में ये बात बोली कि मेरे सामने आज स्कूल के वो बच्चे नहीं हैं जो यहाँ बैठते थे, मुझे उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है, तो वही स्कूल के बच्चे अभी स्कूल पास करके जेईई और नीट की परीक्षा देने के लिए जब आगे जा रहे हैं, तो आपको उनकी बात समझनी चाहिए, उनको उनके भविष्य को सिक्योर करते हुए इस तरह दिशा में आपको काम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी और इस परीक्षा को कुछ दिनों के लिए कम से कम टाल दे जब तक हालात थोड़े और बेहतर नहीं होते हैं या पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, हमारी अपील यही है कि आप इस परीक्षा को दीजिए, परीक्षा जिंदगी में बहुत सारी होती हैं और लगातार हम लोग परीक्षाएं देते रहते हैं, लेकिन हार मत मानिए, अपने आप को कमजोर महसूस मत कीजिए और इमोशनली
आप अपने आप को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत सारे मौके आएंगे और तमाम आप सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो ये नीट या जेई की एकमात्र परीक्षा ऐसी नहीं है जो आपके भविष्य का निर्धारण कर पाएगी, आप फिर से एक नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो सुरक्षित रहें, कोरोना नेगेटिव रहें बट सोच में पॉजिटिव रहें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद है या फिर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम आप सबको। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।